हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर बेस्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन जनरली आसान हो जाएगा जब आपको एक रिजल्ट पता होगा, ठीक है। उसी रिजल्ट से ये क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। अगर आपको वो नहीं पता है तो ये नहीं हो सकता ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये रिजल्ट एक्चुअली जब हम अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में ना, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा रिजल्ट हमें यूज़ करना होता है, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में मिलता है। उसी का यूज से ये क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, इवेल्यूएट इंटीग्रेशन एस, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन डी एस, वेयर एस डिनोट्स द सरफेस ऑफ इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड तब होता है जब जेड कोऑर्डिनेट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड जो हमारा फंक्शन है वो कुछ इस प्रकार से एक्स स्क्वायर आई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर की, ठीक। तो एफ डॉट एन डी एस यानी कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमारा ये फंक्शन है। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, इंटीग्रेशन एस फंक्शन डॉट एन डी एस किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी वी। तो हम पहले क्या निकाल लेते हैं, डाइवर्जेंस एफ यानी कि डेल डॉट एफ, तो वो क्या होता है, आई कर ली ओवर कर ली एक्स प्लस जे कर ली ओवर कर ली वाई, इसकी वैल्यू रख रहे हैं हम, प्लस के कर ली ओवर कर ली जेड, डॉट प्रोडक्ट और ये फंक्शन। डॉट प्रोडक्ट में आई का आई के साथ होता है तो आई हट जाता है, डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर, डेल ओवर डेल वाई वाई स्क्वायर, डेल ओवर डेल जेड जेड स्क्वायर। डेरिवेटिव करेंगे एक्स के सापेक्ष तो यहाँ टू एक्स, यहाँ टू वाई, यहाँ टू जेड, यानी कि हमारे पास मिल जाएगा टू कॉमन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। अब क्वेश्चन में ये बोला था, क्या बोला था, कि जो हमारा सेंट्रॉइड है, ठीक है, एलिप्सॉइड का जो सेंट्रॉइड होता है क्या होता है, वी नो दैट इफ एक्स बार कॉमा वाई बार कॉमा जेड बार बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ गिवन एलिप्सॉइड। हमारा एलिप्सॉइड का जो सेंट्रॉइड होता है बीचों बीच का पॉइंट, ठीक है, वो क्या होता है, ऑलवेज वो होता है हमारा ओरिजिन, है ना। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये बता दूँ, ये हमारा मेन पॉइंट है क्वेश्चन का। एक्स बार जो होता है वो होता है वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी एक्स डी वी अपॉन वॉल्यूम इंटीग्रेशन वी डी वी, इसी प्रकार वाई का होता है, इसी प्रकार जेड का होता है। क्योंकि ये जो हमारे सेंट्रॉइड है वो सेंटर में है, यानी कि ये किसके बराबर होता है, ओरिजिन के बराबर होता है, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट तो आप जानते हैं क्या होता है, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो इसको जब आप ज़ीरो के इक्वल रखेंगे तो दिस ऊपर वाले की वैल्यू किसके बराबर होगी, ज़ीरो, क्योंकि इसके इक्वल आप रखेंगे, देखिए इसी को मैं सॉल्व करूँ, इसे ज़ीरो रखा तो हमें क्या मिल जाएगा, जो इसकी वैल्यू होगी वाई डी वी उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो की इक्वल होगी। सिमिलरली इसकी भी और इसकी भी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेंट्रॉइड इज ओरिजिन, यानी कि एक्स बार वाई बार जेड बार की वैल्यू ज़ीरो, उससे हमें ये चीज़ मिल जाएगी। हाँ, अब आ जाते हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर। इंटीग्रेशन एस एफ डॉट एन डी एस किसके बराबर होता है, वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाइवर्जेंस एफ डी वी के बराबर। तो यहाँ पर डाइवर्जेंस एफ की वैल्यू रखी, डी वी से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड से क्या है, ज़ीरो है। तो आप जब रखेंगे तो यहाँ टू इंटू ज़ीरो टू इंटू ज़ीरो टू इंटू ज़ीरो, आंसर इसका ज़ीरो। तो आई होप ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें।